सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा और कहना ये चाहता हूँ कि जो भी मैं प्राइस या शेयर प्राइस का टारगेट कहता हूँ उस पर आप विशेष ये ध्यान दीजिए कि मेरे वाक्य में लिखा रहता है या कहा जाता है कि आने वाले दिनों में, महीनों में। तो मेरा जब भी प्राइस मैंने किसी भी कंपनी का कहा है वो महीनों में बातें आ जाती है, तो वो दूसरे तीसरे दिन कभी डाउन होता है या कुछ भी होता है तो आप उस बात पे ध्यान दीजिए कि मैंने महीनों में कहा है न कि कुछ दिनों में। तो इसके लिए आप जरा विशेष ध्यान दीजिए। अभी जैसे कि मैंने कुछ एक आज मैंने खुद अपना भी कुछ कंपनियों का एनालिसिस जो मैंने किया है, 10 कंपनियों में से मेरे 8 कंपनियों का टारगेट प्राइस अचीव हुआ ही हुआ है। तो एक दो कंपनियों में क्या है कि थोड़ा समय आगे पीछे या कुछ उसमें न्यूज ऐसा आ गया है जिसके कारण वो नेगेटिव हुआ, फिर भी वो बाउंस बैक होगा आने वाले समय में। तो मेरा कहना यही है कि जो भी मैं प्राइस देता हूँ उसके पीछे एक एनालिसिस होता है इन नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस में जो मार्केट में रहता है। अब एक्सेप्शनली कोई न्यूज़ अचानक कोई कंपनी का या मैनेजमेंट की बात आ जाए और वो प्राइस नीचे आ जाता है तो उसमें समय लगेगा फिर से रिकवर होने में। तो मेरा आपसे यही कहना है कि, और हाँ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी प्राइस मैं कहता हूँ प्लीज़ ये कैश मार्केट के लिए, स्पॉट मार्केट के लिए कहता हूँ। कई लोग उसमें फ्यूचर ऑप्शन में अगर पोजीशन ले लेते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बातें करता हूँ। तो जो आप स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट में लेकर कुछ दिनों तक रख कर और आगे थोड़ा उसमें अप्रिसिएशन होगा उसमें आप थोड़ा कमा लेंगे, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के लिए मैंने आज तक कभी रिकमेंड नहीं किया है। मैंने कभी आज तक ये वाक्य भी नहीं कहा है कि ये चीज़ आपको करना चाहिए। यहाँ तक कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाए हैं और कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए उसके लिए भी मैंने कुछ बातें कही हैं, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। बस यही कहना था दोस्तों, और ख़ास रूप से मैं इसलिए आज ICICI बैंक की बात है खुशी के साथ यही कर सकता हूँ कि मेरा टारगेट प्राइस वो जो था वो अचीव हो गया है। मैंने 520 का टारगेट दिया था जो वो अचीव होके आगे की तरफ चल रहा है आज की तारीख में। और आप देखिए आज का ICICI बैंक का क्लोजिंग प्राइस 9 दिसंबर 2019 के अनुसार 526.50 रुपया। और मार्केट कैप मेरा पिछला वीडियो, ये मेरा पार्ट 3 चल रहा है, मेरे पार्ट 2 को बड़े ध्यान से देखिएगा जिसमें मैंने कहा था कि ये प्राइस 520 जरूर टच करेगा और उसने कर लिया और अब एक पॉजिटिव ट्रेंड में कायम है और वो धीरे धीरे एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल भी रहा है। तो इन बातों को देखते हुए आप ये भी ध्यान दीजिए कि पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने उसमें देखिए कि मार्केट कैप कितना था और अभी देखिए मार्केट कैप क्या है, 3,40,402.52 करोड़। तो ये धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है और इसे देखते हुए मैं आज ये कह सकता हूँ कि आने वाले महीनों में, दिनों में, इन शब्दों पे विशेष ध्यान रहे, बस इसका प्राइस टच होगा 550 तक। हाँ दोस्तों, ये 550 तक जरूर जाएगा आने वाले महीनों में, दिनों में, जिस हिसाब से इसका ट्रेंड है और जिस हिसाब से इसका मार्केट कैप धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है। बस इतना ही कहना था दोस्तों, और बस इससे ज़्यादा यही कहूँगा कि हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है वो हर तरफ से पॉजिटिव ट्रेंड में, यानी वो कार्य कर रहा है और जिन लोगों का हमने PMS का कार्य कर रहे हैं जिन लोगों के लिए, उसमें अच्छा खासा आज एप्रिसिएशन भी है। इस बात की खुशी हमें स्वयं, इस बात को हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि ये कार्य उत्तम रूप में चल रहा है। और मेंबरशिप तो हमारा है ही है जो धीरे धीरे अपनी गति की तरफ पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। चलिए बस इतना ही कहना था दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं।